आपको बताऊं, याद रखिएगा कि दवा, जब कोई दवा आप अंदर लेते हो तो वो किस वे में काम करती है पता है? अगर आप दिमाग से सोचो ना, मैं एक बात बताता हूँ, एक एक सच्ची घटना बताता हूँ आपको, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। देखिए, एक किसी ने दो लोगों को बुखार हो गया। अब एक बंदे को तो रियल दवाई दी गई फीवर को ठीक करने के, पर उसको कहा गया कि कोई पक्का नहीं है कि इससे ठीक हो जाएगी, उसको ये दिया गया और उसके अंदर दिमाग में डाउट भी डाल दिया गया। समझो, उसको फीवर की दवाई दी गई और उसके दिमाग में डाउट डाल दिया गया कि भैया पक्का नहीं है तेरा फीवर ठीक हो जाए। दूसरे बंदे को फीवर की दवाई दी ही नहीं गई, उसको ऐसी रैंडम गोली दे दी, बोले ये चूसने की गोली भैया चूसो, और उसको बोला इसे 100% आपका फीवर ठीक हो जाएगा। आप बिलीव करेंगे कि 5 दिन बाद जिसको रैंडम दवाई दी गई थी उसका फीवर ठीक हो गया, लेकिन जिसको रियल दवाई दी गई थी उसका फीवर ठीक ही नहीं हुआ। इसका मतलब कोई भी वैक्सीन या दवाई के साथ एक चीज और जुड़ी हुई है, वो है आपका पॉजिटिव थॉट प्रोसेस। अगर आप यकीन करोगे कि ये मुझे पूरी तरह से ठीक कर देगी तो वो पक्का काम करेगी। तो इसलिए वैक्सीन लगाने से पहले आपको भरोसा होना चाहिए, जो कि भरोसा है ही नहीं। अगर आपका भरोसा डगमगाया हुआ है तो आप मान के चलिए आपकी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम उसको पॉजिटिव वे में रिस्पॉन्ड करेगा ही नहीं। इस चीज को हमें समझने की जरूरत है। इसीलिए जब भी मैं वैक्सीन लगवाने जाऊं, मैंने विश्वास कर लिया, मेरा नंबर आ गया, मैं वैक्सीन लगवाने जा रहा हूं, जब भी मैं वैक्सीन लगवाने जाऊं मैं एक पॉजिटिव थॉट प्रोसेस के साथ जाऊं, क्योंकि अब मैं वैक्सीन लगवाने जा रहा हूं, मुझे कुछ नहीं होगा, कोरोना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। क्योंकि ये पॉजिटिविटी, आप माने नहीं माने, आपके सराउंडिंग एनर्जी होती है, ऑरा होता है, साइंस भी इस पे बिलीव करता है। और अगर आप पॉजिटिव थॉट प्रोसेस के साथ वैक्सीन लगवाने जाएंगे तो आपको कुछ भी नहीं होगा।